आई एम सुमित और फंक्शंस के लेक्चर नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं एक तीसरा सम जिसका हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इज वन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन में हमेशा फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपको पहले पढ़ लेना है, यानी वो आपको फाइंड कर लेना है कि इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो आप देखिए इसमें फंक्शन की वैल्यू आपको ये दी है कि एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए, दिस इज योर वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन यू हैव टू प्रूव दैट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यानी कि इस वैल्यू ऑफ फंक्शन को, फंक्शन की कीमत जो वैल्यू है उसको यूज करके आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड साबित करना है, यानी प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एल एच एस इक्वल्स टू, अब एल एच एस आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, ये आपको एल एच एस दिया है। तो फिर से मैं लिखता हूं, वो डल लिख रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब फंक्शन की वैल्यू जो दी है यहां पे, वो वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स के बदले, तो वो बन जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लीकेशन। अब वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, वन अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, आपको ये x के बदले, इस x के बदले और इस x के बदले 1 अपॉन x लिखना है, यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू दी है, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी है, उस वैल्यू को आपको ये दोनों जितने भी x दिखते हैं वहां पे आपको रिप्लेस कर देना है। तो यहां पे 1 अपॉन x हम ये 2x में रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो a इंटू 1 अपॉन x प्लस बी होल डिवाइड बाय बी इंटू वन अपॉन एक्स प्लस ए, यानी कि ये बन गया ए एक्स प्लस बी, ये तो वैसा का वैसा ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस ए एज इट इज। इसको भी ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय बी अपॉन एक्स प्लस ए, इतना आपका बनेगा। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो बी के नीचे अभी कुछ नहीं है तो वन एज्यूम करना है, ए के नीचे भी कुछ नहीं है तो उसको वन एज्यूम करना है। अब ये दोनों डिनोमिनेटर आपको सेम बनाने हैं तो हम वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। नीचे x से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस में रहे। अब नीचे भी देख लो, 1 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को भी हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एज इट इज, बी एक्स प्लस ए एज इट इज, ए अपॉन एक्स, अभी इसमें एक स्टेप में करूंगा कि a अपॉन x है प्लस के बाद बी एक्स अपॉन एक्स है होल डिवाइड बाय बी अपॉन एक्स प्लस ए एक्स अपॉन एक्स। अब देखो आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली आपको सेम दिख रहे हैं, यहां भी एक्स 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 एक्स, तो देखो क्या होगा, x को अभी दोनों x के बदले में एक ही बार x लिखूंगा, डिवाइड में a प्लस बी एक्स, और यहां भी नीचे भी x एक बार लिखूंगा और यहां b प्लस ए एक्स, ऐसा मैं करूंगा। अब x x को आपको कैंसल कर देना है, सेम है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसल होता है, उसको मैंने कैंसल कर दिया। अब मेरे पास क्या आंसर आया, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी एक्स, और
b प्लस ए एक्स। अब आप देखोगे तो इसमें कैंसल होगा, क्या कैंसल होगा, देखो यहाँ पे b प्लस ए एक्स दिया है और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स इसमें ए एक्स बाद में है, इसमें ए एक्स पहले है, तो आपको पता हो कि वन प्लस टू आप करो या तो टू प्लस वन करो, दोनों सेम होते हैं, आंसर तो थ्री आएगा, यानी कि आप आगे लिखो पीछे लिखो कोई उसका है नहीं, ये कैंसल हो जाएगा, सेम है इसलिए ऊपर नीचे कैंसल। इसमें भी आप देखो बी एक्स आगे है, इसमें बी एक्स पीछे है, ये भी कैंसल हो जाएगा, सेम है, ऊपर नीचे कैंसल होता है तो वन आंसर आता है। और आप देखो ये आपको राइट हैंड साइड पे प्रूव करने को बोला है दैट इट शुड बी वन, तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, राइट। ये सम लेने इस सम पे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भाई ये सम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो एटलीस्ट जो मेरा चैनल देख रहा है स्टूडेंट उसको एग्जाम में लॉस नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, ठीक है। आगे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ही वीडियो में बनाता हूँ, आपको पता ही है जो मेरे चैनल्स रेगुलरली देखते हैं उसके वीडियोस जो देखते हैं मैथ्स को, उनको पता है कि मेरे चैनल पे कोई भी ऐसा सम मैं नहीं बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट ना हो, ऑल द सम्स सॉल्व्ड इन माय लेक्चर्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, राइट। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।